हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं यूनिक रेसिपी जो आप यूट्यूब पे पहली बार देखने वाले हैं, होटल स्टाइल सिंधी मसाला पापड़ फ्राई। ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर बना के देखिए। उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो आइए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। होटल स्टाइल सिंधी मसाला पापड़ फ्राई की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, ऑल पर्पज फ्लावर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, 2 टेबलस्पून हमने राइस फ्लावर लिया है, चावल का आटा, और ये 1 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है। उसके साथ में हमें लगेगा 1 टीस्पून हमने जिंजर पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट है, रेड चिल्ली पाउडर है, मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर है। अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। 2 टेबलस्पून हमने शेजवान चटनी ली है, 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, ये 1/2 टीस्पून अजवाइन है, और उड़द का पापड़ हमने लिया है। अगर आपके पास उड़द का पापड़ नहीं है और आप अगर आप पसंद नहीं करते हो तो आप मूंग दाल का भी पापड़ यूज कर सकते हैं या मिक्स दाल का भी पापड़ यूज कर सकते हैं। ये मैंने इसके 1/4 कर लिया है, बाइट साइज के लिए मैंने इसे छोटे साइज में कर लिया है। और ऑयल हमें लगेगा इसे फ्राई करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं सिंधी मसाला पापड़ फ्राई। फ्रेंड्स, पहले हम बैटर बना लेते हैं, जिसके लिए ये 2 टेबलस्पून मैदा मैं डाल लेती हूँ। दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, ये ऐड कर देते हैं उसमें। राइस फ्लावर को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, वो भी 2 टेबलस्पून हमने लिया है। और ये 1 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है, ये भी चिकपी फ्लावर, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले, भी बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन लिया है, वो इसमें ऐड कर देते हैं। साथ में ही रेड चिल्ली पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर और नमक, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, इस पापड़ की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई करना। और ये एक स्नैक्स रेसिपी है, स्टार्टर रेसिपी है। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इससे पापड़ क्रिस्पी होने में हमें इसका यूज होता है। राइस फ्लावर से भी पापड़ क्रिस्पी हो जाता है, और ये जो हमने ऑयल ऊपर से डाला है, इससे भी पापड़ बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है। शेजवान चटनी हमने ली थी 2 टेबलस्पून, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अभी हम थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेते हैं। पहले हमने 1 ग्लास पानी लिया है, जैसे जैसे लगेगा वैसे वैसे हम इसे यूज करेंगे। हमें ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, क्योंकि हमें पापड़ के ऊपर इसका लेयर देना है। एक ही बार में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर अभी तैयार हुआ है। जो 1 ग्लास पानी मैंने लिया था, उसमें से 1/2 ग्लास पानी मैंने यूज किया है। ये पूरी तरह से हमने लम्स फ्री बैटर बना लिया है।
पहले तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, ये इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा ठीक नहीं चाहिए हमें कंसिस्टेंसी। और दूसरा, ये जो हम पापड़ इसमें डालेंगे तो इसे दोनों साइड से हमें अच्छे से कोट करना है। ये देखिए, दो तीन पापड़ हम एट ए टाइम डालेंगे। ये देखिए, मैं भी दिखाती हूँ आपको। एक साइड से हम पूरे तरह से इसे फ्राई होने देंगे और फिर हम इस दूसरी साइड को पलट लेंगे। अभी हम पापड़ को दूसरी साइड से पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हमने बढ़ा ही रखा है। हमारे पापड़ दोनों साइड से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अभी हम इन्हें एकदम अच्छी तरह से, इसका ऑयल पूरी तरह से निकाल के इस तरह से इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं जितना हो सकता है उतना ऑयल उसमें से निकालना चाहती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं अभी और पापड़ इसमें डाल लेती हूँ। आप इसे हाफ में भी कर सकते हो, जैसे मैंने 1/4 किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, जब तक कि हमारे दूसरी बैच तैयार हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए पापड़ कितने क्रिस्पी बने हैं। ये पापड़ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्ट में। ये और पापड़ हम इसमें डाल लेते हैं फ्राई करने के लिए, और इस तरह से हम सभी पापड़ फ्राई करके लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। आपको मैंने दिखाया है कि बैटर किस कंसिस्टेंसी का चाहिए, वो पूरी तरह से फॉलो कीजिए, तभी ऐसे क्रिस्पी पापड़ बनेंगे। इसे अभी हम पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें का पूरा ऑयल हम निकाल के इन्हें बाहर निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे। कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे पापड़, ये देखिए, ये कितने क्रिस्पी है, ये आप आवाज सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, ये शेजवान चटनी और मिंट चटनी के साथ आप सर्व कीजिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सिंधी मसाला पापड़ की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।